थोड़ी बहुत अच्छी लगी और उसमें गाने अच्छे हैं और उसमें हीरोइन बहुत ही हॉट एंड बोल्ड दिख रही है, वो आपको कितनी अच्छी लगी? हाँ अच्छी लगी। और क्या आपको अच्छा लगा? गाने अच्छे हैं उसमें, थोड़ा स्टोरी थोड़ा बहुत अच्छा लगा। थोड़ा बहुत अच्छा, अच्छा लगा। कितना एंजॉय किया म्यूजिक को? म्यूजिक को बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय। हाँ 2.5। दिस मूवी वॉज वेरी मॉडरेट, एज इन आई वुडन्ट सजेस्ट एनीवन टू गो एंड वॉच दिस मूवी, क्योंकि ये मूवी ठीक था मेरे हिसाब से। मतलब इतना भी मज़ा नहीं आया, इतना भी बुरा नहीं था, बट द सॉन्ग्स वर वेरी टॉर्चरस। मतलब एवरी दो दो मिनट गाने, यू नो, और यू नो स्टोरी में कुछ मज़ा नहीं आया, कोई स्टोरी ही नहीं थी, यू नो, एक के बाद एक लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जिस बकवास चालू था। एंड नेहा शर्मा वो सिर्फ रो रही थी मूवी में, मतलब उसका कोई मतलब, इट वाज लाइक यू कुड प्रिडिक्ट द मूवी, मतलब क्या होने वाला है अभी, लेकिन उसका जो बिहेवियर था वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एक बार हंसती थी एक बार रोती थी, रोती थी वापस हंसती थी, मतलब इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग। मुझे तुम बिन के गाने बहुत अच्छे लगे, इट वाज एक्चुअली अ म्यूजिकल हिट, बट तुम बिन टू द म्यूजिक वाज वेरी मॉडरेट, इट वाज ओके। आई डिड नॉट एंजॉय द मूवी, आई वाज जस्ट वेटिंग टू गेट आउट ऑफ द थिएटर, क्योंकि मैंने पैसे भरे थे इसके लिए मुझे देखना पड़ा। द न्यू टू कमर्स वर वेरी क्यूट अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मुझे उनको उनकी पिक्चर देख के मुझे मेरा दिल आ गया उनके ऊपर कि यू नो क्या बात है, देख के ही मज़ा आ गया उनको। लेकिन फिर बाद में उनकी एक्टिंग देखी, मैंने बोला ओह शिट क्या कर दिया मैंने, किसके ऊपर दिल आ गया मेरा। मतलब द एक्टिंग वॉज गुड अकॉर्डिंग टू देयर वे, बट उनका एक्टिंग ये कैरेक्टर को नहीं सूट कर रहा था मे बी, इसकी वजह से मुझे नहीं पसंद आया और मैंने मेरा दिल टूट गया, वेरी सैड टू नो। सी आई द म्यूजिक इज गुड, बट देन जस्ट द वे दे हैव पुट इन द मूवी, मतलब एवरी मतलब 5-6 मिनट्स देर वॉज अ सॉन्ग विच इज़ वेरी अनोइंग, मतलब एवरी थोड़े टाइम के बाद सॉन्ग्स आ रहे थे, तो अगर तुम्हें एन्जॉय भी करना है सॉन्ग को तो वो नहीं एन्जॉय कर पा रहे थे, बिकॉज इट वॉज गेटिंग वेरी मोनोटोनस एंड वेरी बोरिंग के वही सेम गाने रिपीट हो रहे हैं, मतलब यू नो गाने आ रहे हैं बीच में बात कर रहे हैं, एंड देन सडनली अ सॉन्ग इज़ हैपनिंग, दैट इज़ स्टूपिड, इट डिडन्ट मेक सेंस टू मी। द स्टोरी वॉज ऑल्सो नॉट हैपनिंग, मतलब तुम बिन का स्टोरी अच्छा था अकॉर्डिंग टू मी, तुम बिन टू का स्टोरी लाइन वॉज ऑल्सो वेरी सैड, वेरी पुअर। दैट्स इट, आई वुड गिव दिस मूवी 1.5-2 रेटिंग, नथिंग मोर देन दैट। ओके, आई डू नॉट हैव अ पेनी इन माई पॉकेट, मेरा सिर्फ कार्ड से चल रहा है, सो इट्स ऑल ऑन ऑनलाइन। थैंकफुली मुझे मतलब तुम बिन टू का आई थिंक इतने लोग को प्रॉब्लम हो रहा है पैसों के वजह से, जिसकी वजह से मुझे पूरा थिएटर खाली मिल गया। तो जब मैंने ऑनलाइन बुकिंग भी कर दी तभी भी सारे सीट्स अवेलेबल थे, सो आई गॉट माई सीट, सो दैट्स इट। एंड आई थिंक दिस करेंसी इशू इज़ अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय मिस्टर मोदी, बट देन आई फील इट इज़ वेरी बैड फॉर द पुअर पीपल, नॉट फॉर मी, मतलब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा क्योंकि आई डोंट हैव अ पेनी। ऑलरेडी सेड 1.52 मैक्स स्टार्स, या welcome, thank you for all the bad movies I see. Thank you. I love the movie, yaar. I love the movie. What was the USP? Sorry? USP? I don't know what USP is. It's a unique point. The songs were really nice. It could have been better because the first part was really amazing. I loved the movie, and ab is movie mein bas Raftaar ka song was the only thing that I loved. They acted well, both of them, or the actress was really gorgeous. Yeah, she was really gorgeous. And how many stars? Three stars. तुम बिन टू अच्छी है मूवी, इतनी भी अच्छी नहीं है क्योंकि फर्स्ट वाली से कंपेयर कर रहे हैं सब, तो इसलिए इतनी अच्छी नहीं है, वैसे नई सिनेमा के हिसाब से अच्छी है मूवी। हाँ म्यूज़िक अच्छा है, पर वही
सब कुछ अगर पुराने वालों से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली उसी का अच्छा था, क्योंकि वो अभी तक हिट हैं गाने. नेहा शर्मा तो वैसे ही उसी की वजह से मूवी देखने गए थे शायद लोग, बाकी तो इस मूवी में इतना कुछ था नहीं. खा 3. थैंक यू. I have enjoyed my movie. I thought the movie was not too good, but I have enjoyed a lot. And we have came with my friends, so we enjoyed a lot movie. What about the story? The story कैसे थी? वो story थोड़ी love story थी and उसमें थोड़ा fighting and all था, but अच्छा था movie, बहुत अच्छा था. मैंने सोचा थोड़ा boring होगा, but क्योंकि मेरे friends से बोला no, but I told नहीं, we'll go, we'll see the movie, like how's the movie. हाँ, तो उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, ठीक थी. लाइक उतना भी ये नहीं था, क्योंकि न्यू एक्ट्रेस पे उतना सूट नहीं करता है लाइक मोस्टली रोल्स, बट मूवी भी अच्छा था और उनका एक्टिंग भी बहुत काफ़ी अच्छा था. म्यूजिक तो ऑसम, एक से एक गाने तो मन में बहुत अच्छा है. टोटली 5. या अगर मैं जाऊँ तो मैं फुल 10/10 दूँ. काफ़ी अच्छी मूवी है डूम इंटू. क्या खास था? रोमांटिक स्टोरी है एंड काफ़ी मतलब लोगों के मतलब लोगों को कुछ अलग चाहिए रहता है रोमांस में, तो कुछ अलग चाहिए, कुछ अलग रोमांस के, तो देखो ये मूवी. नेहा शर्मा की एक्टिंग तो काफ़ी अच्छी थी, हम सब जानते हो इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं. और बाकी के जो दो नए एक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग दिख रही है, उनकी मेहनत दिख रही है कि वो भी मेहनत कर रहे हैं. आगे जाएंगे तो उनकी एक्टिंग और ज़्यादा अच्छी होगी. इस फिल्म का म्यूजिक आपको काफ़ी अच्छी म्यूजिक है. फर्स्ट पार्ट से अच्छी है? नहीं, फर्स्ट पार्ट में ज़्यादा अच्छी थी. अच्छा, इस पार्ट में आपको उतनी पसंद नहीं? नहीं. तो कितने स्टार्स आप देंगे? 2. तुम मिंटू वाज प्रीटी ओके, आई'd से. एंड व्हाट वाज द यूएसपी ऑफ द मूवी? हाउ डिड यू अंडरस्टैंड द स्टोरी? द स्टोरी वाज अ लिटिल इमोशनल, सो इट वाज अ लिटिल स्लो, बट इफ कंपेयर्ड टू तुम्बिन 1, आई'd से आई'd लाइक तुम्बिन 1 बेटर. ओके, व्हाट अबाउट द म्यूजिक? द म्यूजिक, एज आई सेड, योर तुम्बिन 1 वाज मच बेटर देन तुम्बिन 2. The newcomers, I'd say the girl who's worked in Crook, she's the girl from Crook, she acted pretty well. Yeah, sure. The new guys, yeah, their acting also was okay. Okay, and how many stars would you like? I think 3 stars would be fair enough. Thank you.